हाय गाइस, तो आज मैं स्कूल सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। तो हुआ यूँ कि प्रार्थना के बाद मैं आ गया क्लास में, और क्लास में जितने सम्माननीय नागरिक हैं, मेरे सहपाठी भाई एवं बहनों, सारे आ चुके थे। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कुछ भी करके त्रिपाठी मैडम की कॉपी कंप्लीट करनी है बस, और वो भी टिफिन छुट्टी में। तभी क्लास में खबर फैली कि एक नए सर आ रहे हैं अभी, इंग्लिश वाले, तो वो पढ़ाएंगे। मैं खुश हो गया कि भैया पहली क्लास लेंगे, इसका मतलब आज ही मारपीट तो नहीं करेंगे। तो फिर मस्त आराम से बैठा। अब सर आए ना, आते ही कहते कि हाँ तो आज मेरी पहली क्लास है, तो थोड़ा परिचय हो जाए, तो चलिए आपसे शुरू करते हैं। अब पहली लाइन से वो शुरू कर रहे हैं। तो पहली लाइन में बैठे थे वो जिनके 90+ आते थे परसेंट, उसके बाद फिर 70-90, तीसरे लेके सातवें तक वो सारे स्टूडेंट बैठे थे जो साल भर बस 33% के बारे में सोचते हैं कि कुछ भी करके 33 आ जाए बस, भले ही 6 में से 3 दिन स्कूल क्यों नहीं जाना पड़े। तो अब दुर्गेश उठा पहली लाइन से, कहता माय सेल्फ दुर्गेश कुमार साहू एंड आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। बोले वाह नाइस 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 नाइस, बैठो बैठो बैठो। अब इसकी वजह से हम लोग टेंशन में आ गए कि हिंदी में नहीं बोल सकता था, हमको भी बोलना पड़ेगा इंग्लिश है। अभी तक हम लोग ये नहीं सोचे हैं कि हम लोग क्या बनेंगे, अब जो भी बनेंगे वो इंग्लिश में बनना पड़ेगा। तो फिर दुर्गेश के बाजू वाला उठा, वो भी माई सेल्फ वेद व्यास साहू एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ इंजीनियर। फिर वो उठा माई सेल्फ लोकेश विश्वकर्मा एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। तो हम लोग को एक बात समझ में आई कि कुछ नहीं करना, बस ये जो बोल रहे हैं वही लाइन बोल दो, और लास्ट का जो है वो चेंज कर दो कि तुमको क्या बनना है। तो फिर हम पीछे वाले सब रटने लग गए, आई वॉन्ट टू बिकम, 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 आई वॉन्ट टू बिकम। मेरे बगल वाला, आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्षद ऑफ माई वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्षद ऑफ माई वर्ल्ड। फिर बात आई तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन से शुरू हुए रटने वाले। तो तीसरी लाइन का बंदा खड़ा हुआ, कहता माई सेल्फ ओम प्रकाश एंड आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट टू बिकम फौज। बोले कि तुम फौज बनना चाहते हो? हाँ नहीं, आई मीन आई वॉन्ट टू गो टू फौज। एंड वाई यू वॉन्ट टू जॉइन द आर्मी? कहता क्या बोल रहे हैं सर? अरे पूछ रहे हैं तू आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहता है? आर्मी? पर मैं तो आर्मी बोला ही नहीं। अबे फौज का मतलब ही आर्मी होता है। ओ अरे बाप रे, कहता बिकॉज आर्मी प्राउड बाय अस, आर्मी सेव एवरी डे आवर लाइफ। अरे क्या बोल रहे, सेव नहीं सेव होता है सेव। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ सेव। कहता अरे मार यार मेरे को क्या करना है। तो सर कहते ओके ओके सिट डाउन सिट डाउन। फिर एक लड़की खड़ी हुई, वो इतना ज़्यादा रटी थी कि जो बनना है वो भी लोकेश का पूरा रट ली। कहती माई सेल्फ कविता एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ओ नाइस नाइस नाइस, एंड वॉट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सामाजिक विज्ञान। और ये सब देख के मेरे बगल में जो बंदा बैठा था वो झुक के टेबल की आड़ में छुप गया। कहता बताना मत। मैं बोला यार क्या नहीं बताऊं, साफ दिख रहा है सामने से कि दो लोग बैठे हैं, बीच में गैप है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के सामने का दांत टूट गया है। और सर ने देख भी लिया, बोले कि अरे तुम लोग दो लोग बैठे हो, बीच खाली है और इधर चार बैठे हैं, चलो बेटा इधर आओ, तीन तीन करके बैठो, एक इधर आ जाओ। अब हमारे बगल के टेबल वालों को भी पता है कि इसमें बीच में झुक के छुपा है, लेकिन अब क्या करें, आना पड़ेगा। तो क्लास का सबसे मोटा बंदा वहां से उठा, हमारी टेबल साइड आया। तो मेरे टेबल के लास्ट में जो बैठा था वो बंदा अपने दोनों पैर ऐसे खींच के आके कहता बीच में बैठ। अब वो बेचारा क्या करता, आया बीच में और जो झुका था उसकी पीठ में बैठ गया। जैसे ही उसकी पीठ में बैठा तो जो झुका था उसके कहीं से तो आवाज़ आई है ज़ोर से। हम लोग भी बोले हाँ बहुत झुकने की आदत है ना तेरे को, अब ऐसा झुकेगा जिंदगी भर तेरे घर वालों को डाइनिंग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी ऐसा पैदल आएगा जाएगा तेरे पीठ में चावल की बोरी रख देंगे, बोलेंगे आटा चक्की तक छोड़।
और मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि तालाब में तैरेगा कैसे। फिर हमारी लाइन में आ गई इंट्रोडक्शन देने की बारी, तो फिर लास्ट का जो बंदा था वो उठा, उठते साथ, सर मेरा नाम रुद्रेश है, मैं सोचा नहीं हूँ सर क्या बनना है। बोले कि क्यों? सर कोई पूछा नहीं तो मैं सोचा नहीं अभी तक। तो अभी तो पूछ रहे हैं, इतने देर से क्या कर रहे हो? सर सोचा था लेकिन सब उड़ गया दिमाग से, इंग्लिश में था ना। बोले कि ठीक है बैठो, यस यू। फिर उसके बगल का बंदा उठा, सर मेरा नाम मुरारी और शिक्षक बनना चाहता हूँ। बोले ठीक है, तो कहाँ के शिक्षक बनना चाहते हो? स्कूल के, कॉलेज के, कहाँ के? कहता अलग अलग होता है क्या? बोले हाँ। अरे यार सर रहने दो, दुकान धंधा करूँगा सर, फैमिली बिजनेस। फिर उसके बाद जस्ट मेरी बारी आने वाली थी, सर ने ऐसे घड़ी देखी, बोले यार 2 मिनट बस बाकी है, तो एक काम करो सिर्फ नाम बताओ, बाकी सब कल देख लेंगे। हम लोग खुश एकदम, एक के बाद एक उठ के, सर मेरा नाम हरीश तिवारी, मेरे बगल वाला, सर मदन, उसके मदन, सर गजेन, और सबसे लास्ट में जो बैठा है वो उठ के, सर मैं राजकुमार। बोले कहाँ का राजकुमार? बगल वाला दोस्त कहता सर फोकटपारा का। फिर क्लास की घंटी बज गई, सर चले गए। तो जो बंदा इतने टाइम से झुका था वो ऊंट जैसा जोर से उठा झटके से, वो मोटा गिर गया सीधे टेबल पे, उठ के एकदम, अरे बाप रे हो, बाप रे, मोटा कहीं का, पीठ में बैठने से पहले पीछे जेब से की रिंग नहीं निकाल सकता था।